जी, मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी, ग्रेटर कश्मीर ने ये न्यूज़ चलाई है। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि हमारी फैमिली को अक्सर लोगों को उसके साथ रابطہ है और रابطہ था भी 21 मार्च से। अब मैंने उससे बात की, जो कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो उसने कहा कि किसी सहेल अहमद ने, जो हमारा कज़िन है, तो वो सुहेल अहमद जो है वो 21 मार्च, चूँकि मार्च और अप्रैल एग्ज़ाम का यहाँ पे SSB एग्ज़ाम्स का ज़्यादा एग्ज़ाम्स में वो अपेयर होने वाला था, तो उस वजह से वो शायद अदीबुल फ़ुरसत होने की वजह से घर के बाहर ना निकला हो, और वो जो दीगर फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात नहीं रहे इन दिनों, जिसकी वजह से शायद उसने अपनी पर्सनल व्यू इज़हार किया होगा कि मुझे उसके साथ 21 मार्च से राबता नहीं है। अलबत्ता बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें से अक्सर लोगों को उसके साथ राबता है। अब चूँकि वो उसका जो मास्टर असंदार जी हैं, उसकी जो सेहत है वो अक्सर बेशतर ख़राब ही रहती है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर अक्सर फ्लक्चुएट ही रहता है, और उधर से वो आर्थराइटिस में भी मुबतला है। तो सर्दी के कारण वो ज़्यादातर जम्मू में ये गुजारते हैं टाइम, क्योंकि सर्दी की वजह से यहाँ उनको थोड़ी सी तकलीफ़ ही होती है। तो चूँकि रमज़ान आने वाला है तो वो भी घर आने वाले ही थे। तो हम इस न्यूज़ की जो इसको मैं बिल्कुल बेबुनियाद करार देता हूँ, और वो बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है।